सोलन का शांति क्षेत्र जहां आजकल गंदगी का साम्राज्य है, शांति की सुंदरता को मानो जैसे आजकल ग्रहण लग गया है। चारों ओर गंदगी यूं फैली पड़ी है जैसे कि इस क्षेत्र को कभी साफ ही नहीं किया गया हो। लोग शिकायतें कर थक चुके हैं लेकिन यह स्थिति जस की तस बनी हुई है। सूत्रों की माने तो यहाँ कई स्थानों पर कूड़ेदान रखे गए थे लेकिन नगर परिषद ने सोलन शहर को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए इन कूड़ेदानों को यहाँ से उठा लिया है। इसलिए लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर कूड़े के ढेर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से शांति क्षेत्र में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनका क्षेत्र मोदी के स्वच्छता अभियान से कोसों दूर है, जहां सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जगह जगह कूड़ा अपने पैर पसारे पड़ा है और आलम यह है कि कूड़े से निकलती दुर्गंध के कारण लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बीमारी फैलने का अंदेशा अलग से बना हुआ है। उन्होंने नगर परिषद और प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द इस कूड़े को हटाएं। नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा सोलन को डस्टबिन फ्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां से कूड़ेदान उठाए गए हैं वहां पर उनकी गाड़ियां जाकर समय समय पर कचरे को उठा रही हैं और सोलन स्वच्छ और सुंदर बने इसका प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद ने अपनी गाड़ियां लगाई हैं जो कि समय समय पर प्रतिदिन जो भी कूड़ा सड़क के किनारे इकट्ठा किया होता है उसको अपनी गाड़ियों में लादकर सलोगड़ा या शिमला को पहुंचा रहे हैं। और नगर परिषद का ये भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की एक योजना है, जिसके तहत हम धीरे धीरे डस्टबिनों को शहर से उठा रहे हैं और जो डस्टबिन के पास कूड़ा करके इकट्ठा होता है उसके लिए हमारी स्पेशल गाड़ियाँ लगी हैं जो कि दिन प्रतिदिन इसको उठाती है। सोलन में कूड़े की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कमेटी वालों ने अब यहाँ से डस्टबिन भी उठा दिया जिसके यहाँ पे कूड़े फेंकने के लिए जगह भी नहीं बची हुई है। जो लोग हैं कूड़ेदान ना होने की वजह से वहीं पर ही कूड़ा फेंक रहे हैं जहाँ पे डस्टबिन हुआ करते थे। इससे प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ में बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है और चलना और घरों में बदबू इतनी आ जाती है कि रहना मुश्किल हो गया है। कमेटी वालों को डस्टबिन उठाए हुए 8-9 महीने हो गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार ने स्वच्छ अभियान चलाया हुआ है पर स्वच्छता तो यहाँ नामोनिशान नहीं है स्वच्छता का। कूड़ा हर कहीं फेंका गया है, बीमारियां फैलती जा रही है। प्रशासन से यही विनती है कि वो डस्टबिन लगा दे ताकि कूड़ा कचरा अरे परे ना फेंका जाए, जिसकी जहाँ जगह है वहीं पर ही जाए, जिससे थोड़ी बहुत तो सफाई हो जाए और बीमारी से बचे रहे। और बस यहाँ पे सोलन में जिस हिसाब से सफाई होनी चाहिए उसी हिसाब से सफाई नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन जो गंदगी है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, पहले यहाँ पर हमारे पास जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से डस्टबिन लगाए जाते थे उनकी संख्या भी कुछ कम हो गई है, जिससे हमारा कूड़ा लोग फेंकते तो डस्टबिन में है बट वो भर जाता है और साथ साथ में लोग उसको अगर जब भर जाता है पूरा फुल हो जाता है तो साथ में लोग उसको जमीन में सड़क में फेंक देते हैं। जो जैसे खुले में कचरा फेंका जा रहा है अभी भी, उनके लिए जिस तरह से NGT ने नियम सख्त कानून बनाए हैं तो उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी है वो उसको संज्ञान ले। कई जगह ऐसा है कि डस्टबिन नहीं है, हटाए गए हैं और वो डस्टबिन या तो लग जाने चाहिए या फिर आसपास जो ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की प्रक्रिया उसमें नियमितता होनी चाहिए।